स्मार्टफोन रेंज में भारत एक महत्वपूर्ण बाजार है, जहां लाखों उपभोक्ता हर महीने अपना पहला स्मार्टफोन खरीदते हैं। वहीं 2017 में स्टार्ट हुए स्मार्टफोन कंपनी टेक्नो ने भी बहुत ही कम समय में स्मार्टफोन्स बाजार में अपनी साख बनाई है। इस नवरात्रि सीजन टेक्नो प्रीमियम ऑफलाइन स्मार्टफोन ब्रांड अपने सभी नए स्पार्क सीरीज लॉन्च के जरिए अपने ग्राहकों को नई सौगात दे रहा है, जिसमें टेक्नो स्पार्क गो, टेक्नो स्पार्क एयर 4 और टेक्नो 4 शामिल हैं। भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरतों व उनके बजट को ध्यान में रखते हुए टेक्नो सर्वप्रथम भारत में अपनी नई टेक्नो स्पार्क श्रृंखला को लॉन्च किया है, जिसमें एंट्री लेवल सेगमेंट में प्रतिस्पर्धी मूल्य पर बेहतर कैमरा क्षमता, विश्वसनीय बैटरी, बड़े डिस्प्ले की दी है। सोमवार को चंडीगढ़ स्थित ताज में टेक्नो मोबाइल ने प्रेस वार्ता कर अपनी स्पार्क सीरीज लॉन्च की। इसी अवसर पर हमारे संवाददाता ने ट्रांजियन इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अरिजीत तालापात्रा से बात की। चलिए आपको दिखाते हैं। सर, टेक्नो जो मोबाइल्स हैं वो किस तरह से दूसरे ब्रांड से अलग है, क्या टेक्निक्स मतलब आप इस्तेमाल कर रहे हैं इनको बहुत स्पेशल बनाने के लिए ग्राहक के लिए? टेक्नो में तीन चीज़ें बहुत ही खास हैं। एक तो हमारा एनी लाइट कैमरा, जिसको हम कैमन सीरीज से हमने लॉन्च किया था, जो AI टेक्नोलॉजी से है। कैमरा बहुत ही अच्छा है हमारा। उसके अलावा इंडस्ट्री में हम फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे हैं, फर्स्ट इन इंडस्ट्री, जो कि है हमने कैमन सीरीज जब लॉन्च किया था तो हम पहले थे फुल स्क्रीन डिस्प्ले लाने में। आज 5499 में हम डॉट नॉच डिस्प्ले के साथ पहली ब्रांड है। उसके बाद आज हमने स्पार्क 4 लॉन्च किया, फर्स्ट टाइम सुपर डॉट नॉच 6.52 इंच पे डॉट नॉच स्क्रीन विथ HD+, 4000 mAh बैटरी, ट्रिपल कैमरा, फ्रंट LED फ्लैश, फिर एंटी ऑयल फिंगरप्रिंट, AI कैमरा। जो ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक फ़ोन में कंज्यूमर को चाहिए और वो हम नहीं दे रहे, और हम इस पे दो वेरिएंट में ला रहे हैं, 3 32 और 4 64, 7 999 और 8 999। उसके बाद जो हमारा यूनिक प्रोपोजिशन है 111 प्रॉमिस का, जो कि वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट, 100 day रिप्लेसमेंट एंड 12+1 month ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी। सो ये जो कम्प्लीट पैकेज है, और ये फ़ोन इज़ फॉर मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया। सो हमारी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है वो इंडिया में हो रही है। सर, जो R&D का आप बता रहे थे अभी, तो R&D कैसे काम करती है, मतलब क्या ये डोर टू डोर या कस्टमर को कैसे अप्रोच करती है कि उनसे रिक्वायर्ड जो उनकी यूजेज है वो कैसे जानती है? R&D दो तरह का है। एक वो जो एग्जिस्टिंग हमारे कंज्यूमर्स हैं उनसे बात करती हैं कि वो जो भी फ़ोन यूज़ कर रही हैं वो उन्होंने क्यों ख़रीदा, कैसा लग रहा है और उनकी और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्या एक्सपेक्टेशन सारी पूरी हो रही हैं या क्या क्या कमी रह गई हैं। और एक न्यू कस्टमर्स जो या तो ऑलरेडी कंपटीशन मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, नेक्स्ट फ़ोन ख़रीदेगा तो उस फ़ोन में उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। और एक्सपेक्टेशन कस्टमर्स के चेंज होते रहते हैं। चंडीगढ़ का एक्सपेक्टेशन अलग होगा, पटियाला का अलग होगा, बटाला का अलग होगा, सगनूर का अलग होगा। तो एक्सपेक्टेशन कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं, कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, कंज्यूमर को और समझते हैं। सर, आगे मतलब अभी तक तो सभी ब्रांड्स के पास और आपके पास भी सिमिलर जो स्पेसिफिकेशन है वो हैं, तो आगे कुछ आप बताना चाहेंगे कि कौन सी आगे तकनीक ऐसी आ रही है कि जो मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब आगे अट्रैक्ट करेगी? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि टेक्नोलॉजी तो चेंज हो रहा है, पर हमारे ब्रांड के साथ क्या है, टेक्नोलॉजी है पर उसके साथ अफोर्डेबिलिटी भी है। इसीलिए हम अपना कंप्लीट वैल्यू ब्रांड बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी दे रहे हैं पर प्राइस सेगमेंट जो हम दे रहे हैं वो फर्स्ट इन द इंडस्ट्री है। डॉट नॉच बहुत जने लाते हैं पर हम डॉट नॉच जिस प्राइस सेगमेंट में लाए हैं वो इंडस्ट्री फर्स्ट है। कैमरा हर जना के पास, एनी लाइट कैमरा काफ़ी लोगों के पास है, पर हम जिस प्राइस सेगमेंट में एनी लाइट AI कैमरा दे रहे हैं वो इंडस्ट्री में फर्स्ट है। सर, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि प्रमोशनल एक्टिविटी, क्योंकि एक इंसान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो चीज़ लेने जा रहा हूँ वो क्या है, कहाँ से आई है, कैसे और टेक्नो क्यों, तो कैसे पता लगेगा कि मार्केट में कि टेक्नो भी है? बहुत अच्छा सवाल है। फेस्टिवल पीरियड में जैसे हमने स्पार्क 4 लॉन्च किया, हम पंजाब में आउटडोर एक्टिविटीज़ काफ़ी करेंगे,
आउट ऑफ होम जिसको हम होर्डिंग्स बोलते हैं, होर्डिंग पे हम काफ़ी काम कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स, वैन एक्टिविटी, और उसके अलावा जो सबसे मेजर इन्वेस्टमेंट हमारा रहेगा वो डिजिटल में रहेगा, क्योंकि आज कंज्यूमर के लिए एक 6 इंच का स्क्रीन सब कुछ है, हम उसको 6 इंच के स्क्रीन में डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया में काफ़ी, जहाँ भी वो होगा उसको वहाँ पर टेक्नो दिखेगा, इस पर हम काफ़ी काम कर रहे हैं। थैंक यू। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।